इस ड्रोन को ध्यान से देखिए यह है अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन और यह केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल ड्रोन माना जाता है और इसी ड्रोन को लेकर भारत सरकार की अमेरिका के साथ काफी लंबे अरसे से बातचीत चल रही है सो so दैट हम लोग इस ड्रोन को इंडिया के लिए प्रोक्योर कर सकें लेकिन दोस्तों रिसेंटली पिछले कुछ टाइम से इस ड्रोन के लिए कुछ खराब खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इस खबर को देख सकते हैं आपके सामने है हुथीज जो कि यमन में आपको मालूम होगा हुआ उन्होंने अमेरिका के इस ड्रोन को एक नहीं दो नहीं कई बार इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया है और ऐसी खबरें हम पिछले लगभग नौदस महीने से लगातार सुनते आ रहे हैं पर आप देखिए अप्रैल की शूट डाउन थर्ड एम क्यू नाइन एम क्यू नाइन इसी ड्रोन का दूसरा नाम है और यहां पर भी आप देख सकते हैं थर्टीएथ मे को भी खबर सामने आई हुज शूट डाउन वर्ल्ड मोस्ट डेडली ड्रोन एम इन यमेन इनफैक्ट

ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि जब इंडिया यहां पर ऑलमोस्ट बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं ऑलमोस्ट चार बिलियन डॉलर्स हम लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो क्यों हम लोग इन्हीं अमेरिकी ड्रोन्स को खरीद रहे हैं जबकि ये उतने इफेक्टिव भी नहीं है और अगर आप इनका रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये यमेन हुआ या फिर यूक्रेन हुआ तो वहाँ पर भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है इसी पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं क्या है पूरी कहानी कैसा रहा है इनका पास परफॉर्मेंस एंड इंडिया में जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल एग्जैक्टली क्या हैं उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी आइए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं हमारे अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं ऑल राइट सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट आप सभी को मालूम होगा यमन में आज से ही नहीं काफी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जब से इसराइल और गाजा के बीच में दिक्कतें शुरू हुई हैं तब से आपको मालूम होगा यमन में जो हुथीज का रेबेल ग्रुप है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है एंड हुथीज के रेबल ग्रुप को द्वारा बेसिकली तो ईरान की सपोर्ट है और कुछ कुछ हद तक कहा जाता है कि इसको चाइना की सपोर्ट भी यहाँ पर मिलती है ना इन्हीं हुथीज के खिलाफ अमेरिका के द्वारा एक कैंपेन को रन किया जा रहा है जिसमें कि एक मिलिट्री कैंपेन ही है जिसमें कि वो लोग हुथीज को टारगेट कर रहे हैं लेकिन दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ है अमेरिका की उस मिलिट्री कैंपेन में अमेरिका को कई बार यहाँ पे सेटबैक्स देखने पड़े हैं सबसे पहले हुथीज के द्वारा अमेरिका के उसी एम क्यू नाइन बी रीपर ड्रोन जिनको शॉर्ट में प्रेडेटर ड्रोन कहा जाता है उसको कई बार मार गिराया है आप लोग के सामने पूरा मैं यहाँ पे हिस्ट्री बता देता हूँ नवंबर 2023 में आप लोग देख लीजिए हुआ एम क्यू नाइन प्रेडेटर ड्रोन को शूट डाउन किया गया था ऑफ दी कोस्ट ऑफ यमन जनवरी 2024 में सेम ड्रोन क्रैश किया था इराक में उस टाइम पे कहा गया था कि ये इस्लामिक रेजिस्टेंस है कोई इराक में जिसने कि इसको मार गिराया है फरवरी 2024 में हुथीज के द्वारा फिर से एम क्यू ड्रोन को गिराया गया था और लेटेस्ट इंसिडेंट अप्रैल 2024 में और उसके बाद मई के महीने में भी हमें सेम इंसिडेंट देखने को मिला इनफैक्ट इस बार तो जब अप्रैल और मई का इंसिडेंट हुआ था तो इस बार खुथीज के द्वारा उस वीडियो को भी पेश किया गया था जिसमें कि इन्होंने दिखाया कि कैसे इन्होंने उस ड्रोन को मार गिराया उन्होंने इनफैक्ट उस ड्रोन की जो डूबते हुए की पूरी की पूरी उसका ट्रेजेक्ट्री थी उसको भी यहाँ पे इस वीडियो में दिखाया गया है वो वीडियो ऑब्वियसली मैं नहीं दिखाऊंगा आपको लेकिन हाँ इन्होंने ये प्रूफ किया है कि हमने एक नहीं दो नहीं कई दफा अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली ड्रोन है इसको यहाँ पे मार गिराया है और पिछले साल हमने देखा था कि रशिया की एयरफोर्स के द्वारा दो दफा इसी ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया था आप लोग देखिए मार्च 2023 में पहला इंसिडेंट हुआ था ये इंसिडेंट ब्लैक सी के ऊपर हुआ था काफी फेमस हुआ था इंसिडेंट अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको भी जाकर के देख सकते हैं और दूसरा इंसिडेंट हमें जुलाई 2023 में देखने को मिला था जिसमें कि रशिया के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने एक साथ दो प्रेडेटर नाइन को यहां पर डैमेज किया था उस समय डिस्ट्रॉय नहीं किया था केवल डैमेज किया था लेकिन वहां पर भी यही चीज प्रूव करी गई थी कि एमक्यू नाइन रिपेड ड्रोन की जो इफेक्टिवनेस है जो इनकी परफॉर्मेंस है ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हैं या फिर आप इसको डैमेज कर ही नहीं सकते हैं वो वाली चीज यहां पर क्लियर हो गई थी नाउ इसी बीच क्या हो रहा है कि उसी कंपनी की जो कंपनी जो कि इन ड्रोन को बनाती है जिसका नाम जनरल अटोमिक्स है उसकी एक बहुत ही बड़ी सारी टीम है जो कि इंडिया में आई हुई है ये राइट नाउ इंडिया में ही है और ये इंडिया की सरकार के साथ बातचीत चल रही है असल में इसको लेकर जो बातचीत है ये तो ऑलमोस्ट तीन चार साल से चल रही है लेकिन इस बातचीत में बहुत सारी नेगोशिएशन हैं और क्योंकि ये बहुत ही बड़ी डील है ऑलमोस्ट चार बिलियन डॉलर की डील है तो इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं लेकिन वो वाली जो टीम है वो इंडिया आई हुई है और वो या को 31 MQ9B रीपर ड्रोनस बेचना चाहती है यहाँ पर जो 31 ड्रोनस हैं इसका आप लोग ब्रेकडाउन देख सकते हैं कहा गया है कि 15 ड्रोनस यहाँ पे नेवी को दिए जाएंगे 8 ड्रोनस आर्मी को और रिमेनिंग 8 ड्रोनस जो हैं वो यहाँ पर आ, आपकी जो एयर फोर्स है उसको दिए जाएंगे ये नंबर बदल सकता है दिस इज पहले कुछ और था आज कुछ और है और हो सकता है कि आगे जा के हमें कोई और नंबर देखने को मिले लेकिन बेसिकली कहा गया है कि अमेरिका ने इन 31 वन ड्रोन्स को खरीदने के लिए इंडिया से ऑलमोस्ट चार बिलियन डॉलर की यहां पर बड़ी रकम की मांग करी है और यह भी कहा जा रहा था द रीजन कि इन ड्रोन्स को खरीदने की बातचीत शुरू हुई थी बिकॉज जब इसकी बातचीत शुरू हुई थी 2020-21 में तब कहा जा रहा था कि अगर इंडिया इन ड्रोन्स को ले लेता है तो इट विल बी डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर कंट्रीज सिक्योरिटी लेकिन दोस्तों अब इसको लेकर दो बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं नंबर वन कहा जा रहा है कि हुथीज जो कि बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री है भी नहीं इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री है हुथीज जो कि अपने हथियारों को ईरान से लेते हैं चाइना से लेते हैं और इवन हुथीज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी कोई बहुत शानदार नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो भी रिसेंट टाइम्स में अमेरिका के इस सबसे शक्तिशाली ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो पाए हैं इससे केवल एक ही चीज साफ होती है कि एनिमी टेरिटरी में जाने के बाद जो अमेरिका का ड्रोन है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है यानी कि अगर आप इससे दूर से शूट करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ये एनिमी टेरिटरी में घुस जाता है प्रवेश कर जाता है तो उस केस में इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है नंबर टू सवाल ये उठाया जा रहा है कि अमेरिका इंडिया से इस ड्रोन के लिए बहुत ही बड़ी रकम की मांग कर रहा है अगर आप देखें ऑलमोस्ट चार हजार मिलियन यहाँ पे मांग किए करे गए हैं एंड दैट टू ओनली फॉर थर्टी वन ड्रोन्स। और इस केस में हथियारों की दुनिया में अक्सर क्या होता है कि इनकी जो एग्जैक्ट कॉस्ट होती है ये किसी को नहीं पता होती बस जितने में जो कंट्री मान जाए उतने में ही ये कंट्री एक दूसरी कंट्री को हथियार बेच देती है अमेरिका तो ये कहती है कि इंडिया को तो हम लोग 130 मिलियन में दे रहे हैं हम लोगों की यू के साथ बातचीत वन मिलियन डॉलर पर ड्रोन में चल रही है बट अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट कि इन हथियारों की जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो किसी को नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम कि ये कंपनियां यहाँ पर कितना मुनाफा कमा रही हैं और चूंकि यहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि जहां एक तरफ भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहता है सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहता है वहीं पर हम लोग इतनी भारी मात्रा में इन ड्रोन्स को अमेरिका से खरीद क्यों रहे हैं इसका काउंटर आर्गुमेंट यह आता है कि भारत कोशिश कर रहा है कि इसमें जो ट्वेंटी जो ड्रोन्स में लगने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा हम लोग बाहर की कंपनी को ना देते हुए कुछ कुछ पैसा भारत की कंपनियों को ही चला जाए लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि that does not take away the fact कि इसकी जो कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है वो अभी भी बहुत ही बनती है। I think हमें देखना कि हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्या वहां पर ये वाले वेपन्स सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं And दूसरा मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आज से तीन साल पहले भी इंडिया ने सेम चीज की क्लैरिटी की मांग करी थी खबर देखिए 2021 की है और उस समय ये वाली ड्रोन ड्रोन डील डील केवल बिलियन बिलियन डॉलर डॉलर की की थी आज वही ड्रोन डील 4 की हो चुकी है और इंडिया अभी भी हमें क्लैरिटी मांगनी चाहिए कि, कि किस बेसिस पे अमेरिका हमसे इतना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट क्लैरिटी ऑन द प्राइस बल्कि हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर भी यहां पे पुश करना चाहिए बिकॉज हम लोग बहुत ही बड़ी रकम यहां पर अदा कर रहे हैं टू अक्वायर दीज थर्टी वन ट्रेटेड और तभी जाकर के हमें इस डील में आगे बढ़ना चाहिए बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी के लर्नर्स के द्वारा 2023 के एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है टॉप टेन में चार लर्नर्स पूरी लिस्ट में दोस्तों 300 से भी अधिक लर्नर्स अन अकेडमी के साथ जुड़े हुए थे आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं हमारे सेंटर्स नई दिल्ली का करोलबाग नई दिल्ली मुखर्जी नगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जी कोर्सेज और उन्हीं कोर्सेज के साथ साथ सी साट राइटिंग करंट अफेयर्स कवरेज साथ में टेस्ट सीरीज और वन वन मेंटरशिप सभी चीजें अवेलेबल करवाते हैं कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर पर फोन भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग स्टे ट्यून एंड